अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आपका वेलकम हो गया व्लॉग में। और आज है ईद का तीसरा दिन, तो अभी मैं उठा हूँ, फिलहाल नाश्ते का टाइम, तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। तो नाश्ता हमारा वही कल वाला है, अंडा चाय पराठा नहीं सूखी रोटी। तो नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं। तो आज का सीन ये है कि आज है तीसरा दिन, और आज ये डिसाइड हुआ था कि शहरी और सजाद ने कहा था कि पिज़्ज़ा खाने चलेंगे, तो वहाँ जाना है। और अभी कपड़े भी चेंज करने हैं, करने तो मैंने कल थे ईद के दूसरे दिन के लिए लिए थे, लेकिन कल कोई प्लान नहीं था। चलो आज तो बदलेंगे, ये डालते हैं दूसरे दिन वाले तीसरे दिन में। तो फिर पहले कपड़े चेंज करते हैं, फिर चलते हैं शहरी के पास जाना है, फिर सजाद के पास जाना है। तो कपड़े चेंज करते हैं फिर चलते निकलते हैं। तो कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब जूता चेंज करते हैं। तो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और अब टाइम है जाने का। पहले शहरी के पास जाना है, वहाँ से उसे पिक करके फिर सजाद के पास जाना है। तो चलते हैं फिर शहरी के पास, फिर वहाँ से जाके। शहरी के पास मैं पहुँच चुका हूँ और मैं अभी बाहर वेट कर रहा हूँ। शहरी के घर का अगर अपने पता करना तो ये आपको कचरा नजर आएगा, उसके सामने शहरी का घर है। तो फिलहाल शहरी साहब आ रहे हैं, तो शहरी आता है तो फिर मिलते हैं उससे, फिर चलते हैं सजाद के पास। शहरी टोन आ रहा है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाओ? जबरदस्त, ईद मुबारक। आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आवाम से ये कहना चाहूंगा कि ईद को एंजॉय करें। बिल्कुल, और अब हम एंजॉय करने जा रहे हैं जी। पहले आप हमें तो गले मिले। तो शहरी साहब को ईद मुबारक बहुत बहुत। तो अब बड़े अच्छे बाद मिले हमें शहरी, पहले दिन भी शॉर्ट थे, दूसरे दिन तो ये ड्यूटी पे थे, चारों की सख्त ड्यूटी जा रही है, 24 घंटे ड्यूटी। इसकी हालत आप देख रहे होंगे जी, कमजोर पड़े हैं। तो फिलहाल अब हम जाएंगे फिल्म के पास, वो पता नहीं हमें मिलेगी क्या नहीं, लेकिन जाना तो है। सज्जाद के पास हम पहुँच चुके हैं, ये शहरी साहब बैठे हैं जी। तो अभी सज्जाद साहब रेडी हो रहे हैं, कपड़े शपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि वो पहले बुनैन में आया, तो मैंने कहा ना ही दिखाऊँ तो अच्छी बात है। तो अभी कपड़े पहन के आएगा फिर सजाद साहब। काफ़ी वेट किया मैंने और शहरी ने, तो सजाद साहब फाइनली कपड़े शपड़े पहन के आ चुके हैं। ये हमारे सजाद साहब। सर कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। आपको आप ईद मुबारक विश कर दें। हाँ, खैर मुबारक आपको भी। मुबारक। तो अब हम जाने लगे हैं, कुछ देखते हैं क्या सीन है। पहले शहरी के पैसे निकलवाने हैं जी, कोई 20-30 हज़ार तो शहरी ने हमें खिलाना है। चलते हैं। शहरी साहब को आज तनख्वाह मिली है। शहरी साहब कितनी मिली था? नहीं, ये दिखाया चीज नहीं होती है, दिखाया हुआ चीज़ नहीं होती। कितने लाख मिलेंगे यहाँ से? लाखों। शहरी का हॉस्पिटल देखे 10 लाख का। हम शहरी साहब यहाँ पे काम करते हैं जफर हॉस्पिटल पे। तो अब हम शहरी साहब से खाएंगे पिज़्ज़ा, क्योंकि शहरी साहब ने हमसे वादा किया ना सजाद, वादा किया था कि जब इनकी तनख्वाह आएगी तकरीबन रोज़ों से पहले की बात है, तो अब हम इनसे पिज़्ज़ा खाएंगे इंशाल्लाह। तो शहरी हमें लेके आया पिज़्ज़ा इटालो पे, क्योंकि आज इसे तनख्वाह मिल गई, तो इसने कहा मैं आज खिला रहा हूँ सारे पैसे, ये भाई साहब कर रहे हैं। तो अब हम पिज़्ज़ा इटालो पे पहुँच चुके हैं, जाके देखते हैं, आज रश भी होगा, तो दुआ करते हैं हमारी बारी जल्दी आ जाए। तो चलते हैं अंदर। पिज़्ज़ा इटालो पे हम पहुँच चुके हैं और भी हम ऑर्डर देंगे, फिर देखेंगे क्या आता है, क्या ऑर्डर करते हैं। क्या ऑर्डर कर रहे हो शहरी भाई? हम लोग एक ये स्टफ्ड क्रस्ट पिज़्ज़ा। ओके, तो शहरी साहब वेट कर रहे हैं और अभी तक पिज़्ज़ा नहीं आया। शहरी साहब आपको भूख तो लगी होगी? भूख तो लगी हुई है, भूख के कारण मुझे सुस्ती भी आई है, क्योंकि भाई साहब ड्यूटी पे होके कल 24 घंटे ड्यूटी की है। तो अभी हम पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं। शहरी साहब पिज़्ज़ा डाल रहे हैं। शहरी साहब हल्के हुए हैं। शहरी साहब रोटी नहीं मिली आपको आज है? ये छोटे वाला शहरी का होगा, बाकी हम खाएंगे, क्योंकि शहरी साहब का आप सेहत देख सकते हैं, ये खाता ही नहीं है। सज्जाद साहब हमारे डाल रहे हैं पिज़्ज़ा, चेक कर रहे हैं। थैंक यू। ओके साहब, हो चुके हैं, अब हम डालेंगे केचप। आज सजाद बताएंगे कैसा जायका है। सजाद एक दफा खा रहे हैं, देखते हैं सजाद साहब। हाँ जी,
टेस्टी है। अच्छा या कैसा आप बताओ। मैं भी टेस्टी नहीं किया तो करो ना। मजेदार अच्छा। चलो अब मैं खाता हूँ। मैं पिज्जा खाने लगा हूँ, चेक करते हैं। मजेदार। तो पिज़्ज़ा हमने खा लिया है, काफ़ी मज़ा आया। और अब हम जा रहे हैं वापस, तो शायद पहले सिद्धार्थ के पास जाएँ, चाय वगैरह का सीन हुआ तो पियेंगे, नहीं तो पिज़्ज़ा घर जाएंगे। फिलहाल चलते हैं। तो पिज़्ज़ा खा के मैं वापस आ गया था और काफ़ी मज़ा आया। दोस्तों के साथ हमेशा मज़ा ही आता है। तो ईद का तीसरा दिन कुछ यूँ गुजरा है, काफ़ी मज़ा आया। तो अभी मैंने सोचा कि व्लॉग एंड कर दूँ। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो आज का सीन ये है कि आज है ईद का तीसरा दिन, तो मक्खी भी आ गई।